हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है वो NDA-2 2019 कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान के ऊपर है जो आप लोग पूछे थे। 20th मई से भोपाल एकेडमी में बैच स्टार्ट हो गया है। आप लोग जो ऑनलाइन स्टूडेंट जुड़े थे, जैसे मैंने आपको कमेंट किया था कि इस बार मैं आपको प्रॉपरली शेड्यूलिंग देते हुए चलूँगा कि किस ऑर्डर में आप पढ़ाई करें, जिससे कि आप एक प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ सिलेबस कवर कर पाएँ। और दूसरी एक और बात बोलना चाहूँगा, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने जो बहुत पहले से जुड़ गए थे, मतलब अप्रैल के पहले ऑनलाइन कोर्स से जुड़े थे, जनवरी फरवरी में जुड़े, कुछ लास्ट ईयर जुड़े हुए हैं, तो आप लोग क्योंकि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने प्रिपरेशन प्लान का ऑर्डर ये रखें। दूसरा, इस बार हमने इस बैच में एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करी है कि वीकली SSB के सेशंस भी होंगे, तो मैं आपको पूरा एक प्रॉपर प्लान बताता हूँ कि किस ढंग से एकेडमी में बच्चों को पढ़ाया जाएगा और पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चे आ चुके हैं और अभी भी आते जा रहे हैं, और आपको भी ऑनलाइन वाले बच्चे भी जुड़ते जा रहे हैं। तो वो सारे जो जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके यहाँ पर डिस्कस करूँगा। इस सेशन का पर्पज़ यही है, क्योंकि कई बार क्लास के वजह से बात नहीं हो पाती आपसे, तो जो आपने मैसेज भेजे हुए हैं उन सारे मैसेज का मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। प्रॉपर पढ़ाई करेंगे तो आप हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे। और ऑनलाइन से मोस्टली वो आप लोग वो स्टूडेंट हैं जो 11th या 12th अपेयरिंग है, तो ऐसे में आपके पास आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर पर रह के भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब सबसे पहले ऑनलाइन कोर्स वाले स्टूडेंट को मैं बता दूं, या जो मुझसे कुछ बच्चे पूछते भी कि ऑनलाइन कोर्स से कैसे जुड़े, तो ऑनलाइन का मतलब क्या समझ लीजिए कि जब आप इम्पिटस गुरुकुल का ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, जो कि impetusgurukul.com की वेबसाइट पर आपको मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिलेगा वेबसाइट का, वहाँ पर जा सकते हैं। उसमें हम आपको पूरा कंप्लीट मैथ्स का ट्यूटोरियल देते हैं और साथ में GS सपोर्टिंग वीडियोस रहते हैं। इसके अलावा जो जो एकेडमी में इस बार वीकली प्लान होगा, वो हम आपको एक ऑर्डर बताते चलेंगे, जिससे आप उसी ऑर्डर में पढ़ें। और अच्छी बात यह कि इस बार, अभी तक हम आपके साथ संडे टेस्ट सीरीज शेयर करते थे, पर इस बार जो क्लास में रेगुलर भी टेस्ट होंगे वो भी आपको थ्रू वेबसाइट मिलते रहेंगे प्रॉपरली, तो ये भी एक एडवांटेज होगा। पर बैच अभी स्टार्ट हुआ 20 से, तो ऑब्वियसली अभी आपको 10 से 15 दिन बाद वो पेपर मिलने चालू जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं, अब एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग मुझसे कन्फर्म है पूछेंगे, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम NDA के लिए तैयारी करेंगे, जो ऑब्वियसली 11th पास करके 12th में आए, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि ऑलरेडी NDA दे चुके हैं, या किसी का ऐसा भी हो सकता है NDA लास्ट अटैम्प्ट हो, सेकेंड लास्ट अटैम्प्ट हो, कुछ भी हो सकता है। फिर भी मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जब भी कोई तैयारी की जाए तो बेसिक से ही की जाए। एक और क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था कि NDA-1 का कट ऑफ क्या जाएगा। मैं NDA-1 के कट ऑफ को लेकर पहले भी बोल चुका हूँ कि NDA-1 का कट ऑफ मैथ्स में 90 के आसपास स्कोर हो और GAT में अगर 180 के आसपास हो, तो ये बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है, चांसेस हैं। पर फिर भी उसके बाद भी, फिर आप में से कुछ लोगों ने पूछा कि सर हमें ND2 की प्रिपरेशन करना चाहिए कि SSB की, तो मैं आपको फिर बोलूँगा कि SSB की प्रिपरेशन कोई अलग से नहीं होती, SSB की प्रिपरेशन आपकी साइकोलॉजिकल, आपका एप्टीट्यूड से डेवलप होती है। पर एक चीज़ याद रखिए कि SSB के साथ साथ आपको ND2 के लिए भी फोकस फिर से कर देना चाहिए, जैसे ही जून के सेकेंड या थर्ड वीक में रिजल्ट आ जाना चाहिए, जैसे ही रिजल्ट आएगा पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो भी हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि SSB के साथ साथ अगर हम NDA एलिजिबल हैं तो हम अपनी प्रिपरेशन कहीं से भी बंद ना करें। दूसरा, TES को लेके भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं मुझे, उसके लिए भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, पर पहले मैं ND2 का प्लान पूरा बता दूं, फिर मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। नंबर 1, कि मैथ्स में फर्स्ट वीक में हम लोगों ने जो सेशन स्टार्ट किए हैं, उसमें पहले मेरा प्लान ये है कि फंडामेंटल मैथ्स को कवर किया जाए, क्योंकि मैथ्स का जब तक बेसिक कवर नहीं होगा काम नहीं होगा, तो आप लोग इन टॉपिक्स को पहले कवर करें। और याद रखिए, ये जो मैंने लिखा है ये स्टार्ट हुआ है, पर ये 1 वीक नहीं, लगभग 2-3 वीक तक भी चल सकता है, डिपेंड ऑन क्लास में, क्योंकि मेरा एक नेचर है कि जब तक समझ में नहीं आएगा पढ़ाना है, तो पहले फंडामेंटल मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वेशन, शॉर्ट एंड इंडाइसेस, लॉगरिथमिक, बेसिक कैलकुलेशन, यानी ये पहले 2 वीक के टॉपिक रहेंगे। अब आप लोगों में से कुछ वो लोग जो कि ऑलरेडी NDA दे चुके हैं, या सेकेंड या थर्ड या लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, अगर आपके ये टॉपिक क्लियर हैं, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं मैथ्स का जो ऑर्डर रखूँगा पूरा पढ़ाने का, नवंबर तक टारगेट है, 20 अक्टूबर तक सिलेबस ख़त्म करना, तो जो मैं ऑर्डर रखूँगा वो मैं बताना चाहूँगा। पहले मैं एलजेब्रा पूरा कवर करूँगा, एलजेब्रा में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वेशन, ये तो बेसिक टॉपिक्स हैं, सर्ट इंडाइसेस, लॉगरिथमिक, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वेशन, प्रोग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, सेट, ये पहले टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो ऑर्डर के हिसाब से देखें तो पहले एलजेब्रा पढ़ना है, एलजेब्रा के बाद मैं फिर स्टार्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के बाद कैलकुलस, और कैलकुलस के बाद कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, और फिर मिसलिनियस स्टैटिस्टिक्स और बहुत सारे टॉपिक्स।
तो ये एक टेंटेटिव आइडिया दिया। दूसरा, एक टॉपिक को एक वीक भी दे सकते हो आप, दो दिन भी दे सकते हो, तीन दिन भी, डिपेंड ये करता है कि आपको अगर वो टॉपिक बन रहा है। और उसके बाद किसी भी टॉपिक को, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इक्वेशन पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर के एनडीए के क्वेश्चंस लगाइए, अगर वो बन रहा है तो आपका टॉपिक कंप्लीट है, नहीं बन रहा है तो थोड़ा और टाइम दीजिए। यानी कुछ चीजें ऑनलाइन में हमें खुद ध्यान रखनी पड़ती है सेल्फ डिसिप्लिन के साथ। जैसे मैं मैथ्स में आपको अभी यही टॉपिक भेजने वाला हूँ टेस्ट के लिए, तो ये चीज ध्यान रखिए कि आप अगर एकेडमी के अकॉर्डिंग चलेंगे, पैरेलली कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, पर आपको उतना टाइम मिलेगा नहीं। फिर बात करते हैं जीएटी में, तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुआ है जो 2, 3 या 4 वीक चलेगा, डिपेंड ऑन कि क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको फिजिक्स में इस टॉपिक के टेस्ट आएंगे। जीएस में ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, 3 डेज फिजिक्स की क्लास होती है, 3 डेज जीएस की क्लास होती है, तो ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। इंग्लिश में ऑलरेडी वॉइसेस एंडोनेम सिनोनेम स्टार्ट हो चुके हैं, ये इंग्लिश का पोर्शन है। बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन का टॉपिक स्टार्ट होगा, ये बायो की क्लास भी होगी। बायो और केमिस्ट्री में क्योंकि क्वेश्चंस कम आते हैं, तो जब बायो का एक टॉपिक कवर होगा उसके बाद केमिस्ट्री का होगा, फिर बायो, फिर केमिस्ट्री, इस तरह से चलेगा। देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज मैथ्स का है, इसलिए मैथ्स पे हम ज़्यादा कवर करते हैं। उसके बाद सेकंड वेटेज होता है इंग्लिश एंड जीएस। थर्ड नंबर पे आती है फिजिक्स, क्योंकि देखिए अगर आप मार्क्स के हिसाब से बात करो तो 300 मार्क्स ये हो गए और 600 ये। अब आपको ये पता है कि फिजिक्स लगभग 100 मार्क्स, जीएस करीब 200 मार्क्स, इंग्लिश तो 200 मार्क्स फिक्स है, और बायो और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये करीब करीब दोनों मिला के 100 मार्क्स, 50-50 हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। दूसरा, इस बार एसएसबी के जो सेशन होंगे उसमें इस वीक में, अगले वीक में पहले इंट्रोडक्शन और पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ईयर पे वर्कशॉप होगा, जिसमें कि आपसे आपकी इंफॉर्मेशन ली जाएगी। तो ये जो फॉर्म है वो फॉर्म मैं आप लोगों को भी भेजूंगा, और इस फॉर्म को आपको भरना है, क्योंकि क्या होता है जब पर्सनल इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जब आप इंटरव्यू देंगे, कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी हॉबीज, 10th 12th के परसेंटेज, कब अप कब डाउन है, फैमिली बैकग्राउंड, यानी सारी पर्सनल इंटरव्यू जो पर्सनल इंफॉर्मेशन आप जो देते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को कैसे फिल करना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। इसके भी कुछ सेशंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको आइडिया लगे। यानी एक वेल प्लान तरीके से अगर पढ़ाई की जाए तो कोई डाउट नहीं है कि आप एग्जाम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ये सब डिपेंड करता है। आप में से कुछ बच्चों ने ये भी पूछा है कि एनडीए में, एक बात याद रखिए, एनडीए एंट्रेंस में परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। इन केस आपके 12th में कम परसेंटेज हैं तो भी आप तैयारी कर सकते हैं, बस शर्त है कि स्ट्रांग एटीट्यूड के साथ अभी जो मिस्टेक हुई वो आगे ना करें। बात करते हैं, तो ये एक इस 2-3 जैसे जैसे हम आपको इस तरह के सेशंस रेगुलर में लेता रहूंगा, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता जाए कि क्लास में क्या क्या नया स्टार्ट हो रहा है, और जब आपके पास वैसे भी टेस्ट पेपर्स आने लगेंगे तो आपको ऑर्डर्स पता चलता रहेगा। फिर भी जो आपके रिलेटेड क्वेश्चंस, जो रिलेटेड डाउट है वो बिल्कुल भेजिए, जिससे कि मैं उनको दूर कर सकूं। दूसरी बात, जो 12th अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, जो TES के लिए एप्लीकेबल हैं, वो ध्यान रखें। आप लोगों में से कई लोग ये पूछते हैं, TES में केवल वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने PCM सब्जेक्ट लिया, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अप्लाई 70% वाले कर सकते हैं, पर आपको मैं बोलूंगा चांसेस 80 या 80 के ऊपर होने पे कॉल आता है। दूसरा, आप में से कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि 90 सीट्स हर जगह हर SSB में होती, तो मैं पहले बता दूं कि इन ऑल 90 सीट होती हैं और इनके लिए वो कॉल करते हैं। अब वो कॉल किसे करते हैं, आपने पूछा सर मुझे कॉल आएगा कि नहीं, 76% है, 82% है, कॉल आएगा कि नहीं, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था अभी भी कि सपोज ये 4 सेंटर्स पे बच्चों को बुलाया जाता है, 2000 स्टूडेंट को बुलाना है, तो वो टॉप जो एप्लीकेशन आई है उनके पास उसके टॉप 2000 स्टूडेंट को वो कॉल करेंगे। हो सकता है एक एक सेंटर पे 500 हो या जो भी उनका क्राइटेरिया है। अब इसकी प्रिपरेशंस का मॉड्यूल्स ये है, आप अगर 80 प्लस वाले हैं तो चांसेस हैं, 80 से बिलो हैं तो चांसेस कम हैं, 85 के ऊपर हैं और ज़्यादा चांसेस हैं, 86, 87 हैं तो बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ कि 99% चांसेस हैं, 100 के ऊपर हैं तो मुझे वो सॉरी 90% के ऊपर हैं तो 100% चांसेस हैं कि आपको कॉल आ जाए। पर क्योंकि मैंने एक चीज़ समझी जब मैंने ये TES के सेशन लिए, तो बहुत सारे लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, ऐसी नेवी टेक का जैसे ही आएगा मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करूँगा। इस बार मैंने ये चीज़ डिसाइड करी है कि क्लासरूम में जो बच्चे आ रहे हैं वो तो एक है ही, पर ऑनलाइन भी जो जुड़े हुए हैं उनके साथ भी मैं प्रॉपरली कनेक्ट रहूं। लास्ट ईयर भी था, लास्ट ईयर भी आपको वीकली संडे टेस्ट मिलते थे, पर इस साल एक सबसे अच्छा चेंज ये करा है कि क्लास टेस्ट जो होंगे वो भी
और जो जो सब्जेक्ट क्लास में हो रहे हैं, अभी तो फर्स्ट वीक है, टू क्लास हुई है, तो मैंने आपको अभी बोला कि जीएस स्टार्ट होगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्लास होगी, बायो की क्लास सैटरडे को होगी, इंग्लिश हो चुका है, फिजिक्स हो चुका है और मैथ्स स्टार्ट हो चुका है, एसएसबी के फ्राइडे सैटरडे सेशंस होंगे, पर जो होंगे वो मैंने लिखे हैं। तो ऑल नॉर्मली 1-3 वीक्स में मैं इस तरह के सेशंस आपके साथ लेता चलूंगा। तो आपको जब भी कोई प्रॉब्लम्स आए आप इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करें गुरुकुल से। और याद रखिएगा कि ऑनलाइन कोर्स से जुड़ने का तरीका है कि आप इम्पिटस गुरुकुल की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन कोर्स लेके जुड़ सकते हैं, और क्लासरूम कोर्स से जुड़ना है तो भी आप इम्पिटस गुरुकुल की वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के भोपाल एकेडमी सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक चीज़ याद रखिएगा, कहीं कन्फ्यूज मत होइएगा, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिएगा। और कुछ बेसिक बातें जो मैं बोलूँगा कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको अपनी डाइट पर बहुत बैलेंस रखना चाहिए, हो सके तो फिजिकल वर्क में रनिंग करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, सिटअप पुशअप ये सब की आप आदत डालिए, ये आपकी लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। कोई गेम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो और अच्छा है, स्पोर्ट्स से जुड़ें, क्योंकि जितने आप फ्लेक्सिबल होंगे, जितने मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होंगे, उस सब का फ़ायदा आपको एसएसबी में मिलेगा। और आप याद रखिएगा फिजिकल फिटनेस कहीं ना कहीं मैटर करती है इस एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपका टारगेट एनडीए है और एनडीए 2 आप लोग टारगेट कर रहे हैं, और आप में से जिसका लास्ट अटेम्प्ट है उसके लिए भी फर्स्ट है, उसके लिए भी सेकंड भी है, इस बार बहुत अच्छा टाइम मिला है, बहुत प्रॉपरली सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करिए। सब्जेक्ट को टाइम कितना देना चाहिए तो मैं बोलूँगा कि लगभग 2-3 आवर मैथ्स को दीजिए, 2 आवर्स के आसपास 1-2 आवर इंग्लिश को दीजिए, 1-2 आवर जीएस को दीजिए, 1 आवर फिजिक्स और 1 आवर एक वीक तक बायो को दे रहे हैं तो एक वीक तक केमिस्ट्री को दीजिए। एसएसबी के भी जो सेशंस होंगे वो मैं शेयर तो करूंगा, पर एसएसबी में क्या क्या होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा, पर फिजिकली मेंटली आपको अपने आप को तैयार करना होगा। एसएसबी के लिए अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं होती, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है कि लोग सोचते हैं पहले एसएसबी की प्रिपरेशन कर लें फिर एनडीए सोचेंगे। मैं बोलता हूँ याद रखिए एसएसबी में आप जब भी अपेयर हो सकते हैं जब आप एनडीए रिटर्न एग्जाम क्लियर करें, और एसएसबी की प्रिपरेशन अलग से नहीं होती। एसएसबी की प्रिपरेशन उस दिन से स्टार्ट होती है जिस दिन से आप ये सोच लेते हैं कि एनडीए करना है। एसएसबी के लिए सेल्फ डेवलपमेंट जरूरी है, जो किसी क्लास के थ्रू नहीं, सेल्फ आपके कमिटमेंट डिसिप्लिन से आता है। क्लास एक आपको सपोर्ट करेगी, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस बार जो हमने बैच में एक बेस प्रिपरेशन रखी है, रिटर्न क्लियर होने के बाद एक सेपरेट भी रखेंगे, वो ग्रूमिंग के लिए रहेगा, पर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस बार क्लास में 6 मंथ में इतने अच्छे से सब चीज़ें हो जाएंगी कि वो केवल 10 दिन का जो अलग से मैं कैंप लूँगा वो आपको एक वार्म अप करेगा, बाकी खुद सेल्फ डेवलपमेंट करना पड़ता है। एसएसबी मतलब सेल्फ डेवलपमेंट करना, वो आपकी हर एक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को वॉच करते हैं, ग्रुप डिस्कशन की आपको एक आपको आदत होना चाहिए कि आप ग्रुप में कैसा परफॉर्म करते हैं, तो ग्रुप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में बहुत ही पॉजिटिव बात करें, आपका लाइफस्टाइल बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, आपका उठने का टाइम, आपके सोने का टाइम, आपके पढ़ने का टाइम, जितना आप लाइफ को डिसिप्लिन बनाएंगे उतनी आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होती जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं जिस पर आपको वर्क करना चाहिए। तो ये मैंने आपको वीकली प्लान बताया, अब ये करीब करीब मान के चलिए कि ये 2 वीक तक मैं आपको हर सेकेंड वीक में ये प्लान बताता रहूँगा, और कोई नया चेंज होगा तो इमीडिएटली लूँगा। नेक्स्ट इस वीक में मैं आपके साथ फ्राइडे सैटरडे को एसएसबी का भी सेशन शेयर करूँगा, जो आपको टीईएस में भी हेल्प करेगा और एनडीए 2 में भी हेल्प करेगा। और आप अगर क्लास 11th में है, 10th में है, तो किस ढंग से पढ़ना चाहिए, इसका सेशन मैं आपको नेक्स्ट 2 डेज में देने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों से कई लोग जो 10th वाले हैं वो जुड़ते जा रहे हैं 11th वाले, आपको क्या पढ़ना चाहिए वो बताऊँगा, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है, जो अभी देने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास 6 मंथ है, पर 6 मंथ का टाइम बहुत होता है, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि ना जो एनडीए 2 होता था वो सितंबर में होता था, पर इस बार नवंबर में, तो इसका एडवांटेज आप लें, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें, प्रॉपर एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करें, और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप बिल्कुल अपने क्वेश्चंस भेजें, मैं उनका सॉल्यूशन सेशन के थ्रू लेता चलूँगा। इम्पिटस गुरुकुल वेबसाइट पे आप रेगुलर विजिट करते रहें जिससे आपको सारी डिटेल्स अपडेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।